दोस्तों, मैं हूं एलिवेटर किंग ऑफ इंडियन और मैं आज आपको बताऊंगा कि एडको 009 एसएमडी कंट्रोलर में मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारा रीड स्विच है वो चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि लिफ्ट फ्लोर लेवल पे नहीं रुक रही थी या फिर लिफ्ट हमारा जैसे दो पे दबाए तो तीन पे जाकर रुक रही थी, तीन दबाए तो एक पे जाकर रुक रही थी, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जो हम कहाँ से रेक्टिफाई करें इसको। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो मैं था, मैंने इंजीनियर को बोला भी था कि इसके अंदर आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करो। उन्होंने वोल्टेज नहीं चेक किया जो कि हमारा यहाँ से डीसी वोल्टेज आता है। जैसे ये हमारा देखेंगे, ये 110 वोल्ट है हमारे यहाँ पे एसी, और एसी 110 वोल्ट से यहाँ से डीसी निकलता है। डीसी हमारा 12 वोल्ट निकलना चाहिए, 12 से 13 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आकर के वोल्टेज चेक किया तो यहाँ पे हमारा 14.5-15 वोल्टेज आ रहा था, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज होने की वजह से हमारा रीड प्रॉपर वर्क या कार्ड सही से कमांड नहीं दे रहा था, तो उसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे। तो यही चीज़ें मैंने अपने इंजीनियर को ही बताया था, बट इंजीनियर इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पाया। जब मैं आया तो मैंने वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज को बढ़ाया तो लिफ्ट प्रॉपर वर्क कर रही है। अब इस लिफ्ट को मैंने 2 घंटे तक सही चलाया तो लिफ्ट सही चली है। तो अगर आपको ऐसे कभी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आए या कभी ऐसा इशूज़ आए तो आप सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक करें। हाँ, इसका बढ़ने का रीज़न भी था कि जो हमारा एसी सप्लाई होता है, जो हमारा 3 फेज की सप्लाई है, 410 वोल्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारा 435 आ रहा था, तो उसकी वजह से भी ये बढ़ा था। क्योंकि ये जो आ रहा है हमारा ट्रांसफार्मर से होके आ रहा है, इस ट्रांसफार्मर से, क्योंकि यहाँ वोल्टेज बढ़ गया तो ये भी आउटपुट हमारा बढ़ा के निकालने लग गया और यही आउटपुट हमारा इसके अंदर जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो ये इशूज़ है क्योंकि हमारा 110 वोल्ट ब्रेक में भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। तो ब्रेक का तो देखो हाई वोल्टेज में थोड़ा बहुत चल जाता है, बट डीसी वोल्टेज अगर ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा तो काम नहीं चलेगा। तो आप डीसी वोल्टेज सबसे पहले ज़रूर चेक करें अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है तो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो भी अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8010484812। थैंक यू।